क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला। जयपुर की अदालत ने गजेंद्र शेखावत के खिलाफ जांच के दिए निर्देश। जयपुर की अदालत ने आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत को एसओजी के पास भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको 23 जुलाई 2020 की हम दे रहे हैं, जो हमारे पास ये आई है। पूरी अपडेट सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी खबर क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। जयपुर की एक अदालत ने राजस्थान को उस शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। यह घटनाक्रम कांग्रेस के उन आरोपियों के बीच सामने आया कि जो अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में शेखावत शामिल है। विशेष ऑपरेशन समूह एसओजी ने इस ऑडियो क्लिप्स की जांच से के संबंध में मंत्री को पहले ही नोटिस भेज रखा है जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस के विधायकों को लालच देने की कोशिश के संकेत मिलते हैं। आगे खबर है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत को बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत को एसओजी के पास भेजने के निर्देश दिए। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शिकायत में शेखावत के साथ ही उनकी पत्नी और अन्य के नाम भी शामिल हैं। इस घोटाले में हजारों निवेशकों ने कथित तौर पर करीब 900 करोड़ रुपए गंवाए। एसओजी की जयपुर इकाई पिछले साल से इस घोटाले की जांच कर रही है। इस संबंध में प्राथमिकी 23 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। एसओजी ने मामले के संबंध में दाखिल आरोप पत्र को पत्र में शेखावत का जिक्र नहीं किया। बाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोप पत्र में उनका नाम शामिल करने की एक अर्जी भी खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख किया। मजिस्ट्रेट अदालत में दी अर्जी में शिकायत गुलाम सिंह और बबलू सिंह ने दावा किया कि प्राथमिकी में धन के जिस लेन देन का जिक्र है वह मंत्रियों की कंपनियों से जुड़ा है। बाड़मेर में दोनों निवासियों ने आरोप लगाया कि लेकिन एसओजी ने मंत्री या कंपनी की भूमिका की जांच नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एसओजी ने जानबूझकर मंत्री और कुछ अन्य को बचाया जिसका आरोप पत्र में जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों ये बड़ी इस वक्त धांधलेबाजी जांच एजेंसियों की चल रही है जिसमें मंत्रियों को बचाया जा रहा है, और ऐसी भूमिका अगर इन जांच एजेंसियों की रही तो दोस्तों वही कहावत फिर से याद आती है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला ये यहाँ पर माहौल इस वक्त चल रहा है। क्योंकि पहले 20 साल पुरानी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ भी कुछ ऐसा ही घपला चल रहा है जिसमें निवेशकों के पैसे मिलने का प्रोसीजर ना के बराबर है।